मेरे पास एक बहुत ही अर्जेंट पार्सल आया था जो मुझे दिल्ली भेजना था एंड आई आस्क्ड माय फादर तो ही सेड कि ब्लू डार्ट से भिजवा दो वो सही समय पर पहुंच जाएगा एंड मेरे कलीग्स ने भी मुझे यही सजेस्ट किया वेल दैट इज़ द काइंड ऑफ ट्रस्ट ब्लू डार्ट हैज़ बिल्ट अमंगस्ट इट्स कस्टमर्स. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति गुप्ता एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस वीडियो सीरीज स्टॉक इनसाइट्स. नाउ ब्लू डार्ट ने एयर इंडस्ट्री और ग्राउंड एक्सप्रेस इंडस्ट्री सेगमेंट में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है. ब्लू डार्ट प्राइमरीली इंटीग्रेटेड एयर और ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देती है और इसके अलावा टाइम सेंसिटिव पैकेजेस के डिलीवरी भी करती है प्राइमरीली इंडिया में. इन एडिशन द फर्म ऑफर्स कुरियर एंड एक्सप्रेस सर्विसेज ऑल्सो. इनकी जो सर्विसेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 220 कंट्रीज और टेरिटरीज में है और ये लगभग 15,000 पिन कोड्स इंडिया में कवर करते हैं. अब ये तो हो गई इनके काम की बात, अब आते हैं इनके मुनाफे या रेवेन्यू पर. तो ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ब्लू डार्ट एक्सप्रेस नेट सेल्स इंक्रीज्ड बाय 20.4% ईयर ऑन ईयर, जो कि अमाउंट जिसका आया है लगभग 1,165.9 crores, while its net profit, जो उनका नेट प्रॉफिट था, that increased by 52.2% year on year to rupees 137 crores. इनका जो revenue growth है, that was primarily driven by a healthy mix of volume growth and realization improvement despite the challenging geopolitical environment. In addition, Blue Dart Express का जो revenue है, that delivered another outstanding quarter fueled by strong margin expansion due to the fall in employee cost. देखा जाए तो ये पूरे एक्सप्रेस इंडस्ट्री ने एक बहुत ही structured तरीके से logistics process और time-bound delivery को एक बहुत proper flow दे दिया है. ब्लू डार्ट के केस में जो level of integration है और short time frame delivery facility है वो best है. अगर आपको ये सारे pointers detail में study करने हैं तो डू गो टू दी एज रिपोर्ट सेक्शन इन दी स्टॉकेज ऐप या फिर वेब वर्जन में भी आप जा सकते हैं. ब्लू डार्ट एक्सप्रेस बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अपने ग्रोथ को लेकर, वॉल्यूम प्राइसिंग को भी साथ में लेकर. ग्राउंड एक्सप्रेस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ हाई डबल डिजिट रेट, वाइल एयर एक्सप्रेस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ हाई सिंगल डिजिट रेट. ऑल्सो यू मस्ट नो दैट द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स sufficient profit opportunity in omni-channel e-commerce. Management का ये भी बोलना है कि वो 100 से 200 basis points decline देख सकती है अपने EBITDA margin में quarter 4 में financial year 2022 के, क्योंकि उनका जो infrastructure investments है उनका कुछ और वो high capacity utilization के लिए भी opt कर रहे हैं जो कि applicable है financial year 2023 के लिए. However, with such companies रिस्क जो है वो भी है, जैसे कि हाई फिक्स्ड लीज कॉस्ट, हायर एविएशन टर्बाइन फ्यूल या फिर ATF प्राइसेस जिसे हम बोलते हैं, फिर INR डिप्रिसिएशन इम्पैक्ट लीज और मेंटेनेंस कॉस्ट इम्पैक्टिंग द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी. तो अब आगे का जो है, आगे की जो ब्लू डार्ट की परिस्थिति होगी, आगे का जो परफॉर्मेंस होगा, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कंपनी कैसे परफॉर्म करती है. For more insights, keep watching our other interesting videos on our channel and also do check Stockage Club details where you get one-to-one insights about any stocks from the market experts.